हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने इंग्लिश की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 55 लेकर आई हूँ। ठीक है बच्चों, इसमें एक छोटी सी पोएम दी हुई है और उस पोएम के बाद आपको पांच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। बच्चों लिखा है, व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजिस डज नॉट रेफर टू। ऑप्शन दी है चार, जिसमें से इसका आंसर है बच्चों डी वाला, ओके गेन। क्वेश्चन नंबर टू है, द पोएट सेज दैट बाय राइजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल डैश। तो चार ऑप्शन दिए हैं बच्चों आपको, जिसमें से इसका राइट आंसर है 10th आवर लैंड, ओके ये इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। इसका थर्ड क्वेश्चन है, द पोएम डजंट वॉन्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ डैश थ्रू द पोएम। इसमें भी बच्चों आपको चार ऑप्शन दिए हैं, जिसका राइट आंसर है हार्टेड, ओके सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। ओके, इसमें भी चार ऑप्शन आपको दिए हैं, जिसमें से राइट आंसर है इंजैम्पमेंट, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन में इसके दिया है, द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज इंटेंट्स टू टेल्स दैट डैश। तो इसमें भी चार ऑप्शन आपको मिले हुए हैं बच्चों, जिसमें से राइट आंसर है आपका सी वाला, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके इसमें वर्कशीट के पांच क्वेश्चन, जो कि आपके ऑप्शन वाले थे। बहुत ही ईजी वर्कशीट थी और छोटी वर्कशीट थी। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।